नमस्कार, डी टीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। डी टीवी भारत ने आपको बताया था कि उनके लीवर में पानी फैल चुका है, उन्हें बुखार की भी शिकायत थी, जिसके बाद उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था। हम आपको बता दें कि उनकी हालत की खबर सुनते ही उनके बेटे सहित राबड़ी देवी उनसे मिलने पहुंची और लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हाल जाना। ठीक है, खेल का झूठे फालतू वाला काम आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ते बेवजह खेल रहे हैं, आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, चलिए बढ़ते चलिए। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने भी बताया कि लालू यादव की तबीयत दिन ब दिन खराब होते जा रही है। लिवर में पानी फैलने की वजह से और निमोनिया की शिकायत होने की वजह से लालू यादव का चेहरा भी फूल गया है। इसके बाद राबड़ी देवी काफ़ी भावुक नजर आई और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत तो नहीं की, लेकिन हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को एम्स यानी दिल्ली एम्स ले जाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल जेल प्रशासन लोअर कोर्ट से इसकी स्वीकृति लेगा और उसके बाद लालू यादव को दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाएगा उनकी बेहतर इलाज के लिए। और आपको पता है कि आज दिन भर जो है टेस्ट की प्रक्रिया जो है वो शुरू की गई। हम लोगों ने विशेष अनुमति जो है वो मांगने का काम किया और परिवार के लोगों को विशेष अनुमति दी जाती है। आप सब लोग जान रहे हैं कि लालू जी का हार्ट का ऑपरेशन पहले हो चुका था। सबसे बड़ी जो समस्या आ रही थी वो शुगर को लेकर के और किडनी जो है मात्र जो है 25% ही जो है वो काम कर रही है। और साथ ही साथ कल रात में उनको जो है डिटेक्ट हुआ था कि उनको निमोनिया है। हम लोगों की चिंता जो है काफ़ी बढ़ गई थी और पूरे चेहरे पे भी जो है सूजन जो है वो आप लोगों ने भी देखा होगा जब वो टेस्ट की प्रक्रिया कराने निकले थे। जब हम पिछले बार चुनाव के बाद जब हम आए थे, अब में सेहत में भारी गिरावट नज़र आई है और हम सब लोग जो हैं चिंतित हैं। और भी टेस्ट वगैरह होने हैं और डॉक्टर जैसा सलाह देंगे वैसा करेंगे। बाहर ले जाने का क्या है? परिवार के लोग तो चाहते हैं बेहतर इलाज हो और जल्द से जल्द जो है सेहत में उनका सुधार हो, लेकिन भारी गिरावट जो है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। हम लोगों को चिंता हो गया था कि कल कहीं निमोनिया है तो कहीं कोरोना है तो नहीं है जी, लेकिन वो तो टेस्ट रिपोर्ट सारे आ जाएंगे। जब तक एनालाइज नहीं किया जाता कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ हो सकता है, कौन सी चीज़ों का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है, तो ये तो हम जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। आपकी बात हुई डॉक्टर उमेश प्रसाद से, पैरोल के लिए कहा उन्होंने, पैरोल के लिए इस ग्राउंड पे क्या? देखिए देखिए वो बातें, जब तक आपकी जितने सवाल हैं जब तक पूरे टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाते। अब ये सुनने में आ रहा है कि उनके लंग्स में भी पानी है, तो लंग्स में जब पानी आ जाती है और जब किडनी मात्र जब 25% ही काम कर रहा है, प्लस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको शुगर की बीमारी है और उम्र जो है वो 70+ है, तो जाहिर सी बात पे हम लोगों की चिंता है और कोई भी चाहेगा कि बेहतर से बेहतर इलाज मिले लोगों को। लेकिन आपके जितने सवाल हैं जब तक सारे रिपोर्ट्स नहीं आ जाते, जब तक रिपोर्ट्स डॉक्टर जो है वो देख करके उनका क्या राय है जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक हम लोग इस पे कुछ। आज शाम को भी तबीयत खराब हो गई थी जब हम लोग देखिए बहुत। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। लालू यादव के स्वास्थ्य की तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहिए डी टीवी भारत। नमस्कार।